हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रदर्स क्लासेस में। दोस्तों, कोरोना ने देश में बहुत ज़्यादा पैर पसार लिए हैं। जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टेबलेट्स, इन सब की कमी होती जा रही है। हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ती जा रही है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। साथ ही साथ अपने बड़ों का ध्यान रखें और घर के आसपास सफाई बनाए रखें। बिना जरूरी कार्य के घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, इस महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक नया अलर्ट पखवाड़ा जारी किया गया है, जिसे महामारी अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया गया है। इस पखवाड़े के अंतर्गत कई नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अनुसार 3 मई से 17 मई तक ये पखवाड़ा जारी रहेगा। इसमें आप बिना किसी कार्य के बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप कहीं बाहर बिना किसी कार्य के पाए जाते हो तो आपको ऊपर चालान लगने की भी संभावनाएं जारी है। हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्तियों के साथ कोई भी और व्यक्ति नहीं आ जा सकता। विशेष परिस्थितियां होने में सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप दुपहिया व चौपहिया वाहन लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो पैदल या साइकिल या सार्वजनिक वाहन का प्रयोग ही करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं तो इसमें भी आपको चालान की संभावना हो सकती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों को गाइडलाइंस का पालन करने हेतु अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जितने भी खेल मैदान व सार्वजनिक उद्यान हैं, वे सुबह प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दोस्तों, इसके अलावा जो विवाह समारोह है उसके लिए भी कई नई गाइडलाइंस जारी की गई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जब तक जरूरी ना हो तब तक आप किसी भी विवाह समारोह में सम्मिलित ना हो और अपने आप का ध्यान रखें। इसके अलावा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें विवाह समारोह में अब 50 की जगह सिर्फ 31 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। इसके अलावा जो विवाह का कार्यक्रम है वो अधिकतम 3 घंटे तक ही आयोजित किया जा सकता है। विवाह कार्यक्रम को संपूर्ण करने से पहले आपको SDO, SDM या जो भी वहाँ पर उच्च कार्यालय है उनको सबसे पहले सूचित करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते तो आप पर ₹5,000 का जुर्माना तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर ₹1,00,000 जुर्माना लगाए जाने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, संक्रमण पर रोक लगाने के लिए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान शादी समारोह का आयोजन स्थगित करें। इन्हें बाद में आयोजित करने का परामर्श भी दिया गया है और ये कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है। दोस्तों, इसके अलावा बाजार और व्यापारियों के लिए भी कहीं दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई है, जैसे मंडियां, फल सब्जियां तथा फूल व मालाओं की दुकानें सुबह 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुली रहेगी। इसके अलावा डेयरी दूध की दुकानें को भी सुबह 6 से 11 बजे व शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा जो ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियां एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक अनुमत रहेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि राशन की दुकान बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी। जी हाँ, सप्ताह के 7ों दिन राशन की दुकानें खुली रहेगी, इसमें कोई अवकाश नहीं लिया जाएगा। आप जब भी राशन के लिए अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। इसके अलावा दोस्तों, जो जितने भी खाद्य पदार्थ, किराना के सामान, आटा चक्की, पशु चारे से संबंधित खुदरा दुकानें, सब की सब दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेगी। शनिवार और रविवार को ये दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें हैं वो सोमवार और गुरुवार को प्रातः 6 से 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। अतः दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई चालू रखें और पढ़ाई से रिलेटेड वे न्यूज़ से रिलेटेड अन्य वीडियोस और अपने प्रतिदिन खबरों से अपडेट करने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्रदर्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन गाइडलाइंस को देख सकें व अपना ध्यान रख सकें। धन्यवाद।